السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مؤسس حاذرين إنسان في زندقي शुक्र और सब्र से ताबीर है और अल्लाह ताला ने मुसलमान को इंसान को आज़माइश के लिए पैदा किया अच्छा और बुरा दोनों दो रास्ते उसे दिखाए अब इंसान का अपना इख्तियार है कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने या अल्लाह का ना शुक्रा ठहरे इन्ना इम्मा, शाकिरन इम्मा कफूरा कि हमने इंसान को रास्ता तो दिखा दिया अब वो शुक्रगुजार बंदा बने कि ना शुक्रा बने ये उस पर जाता है मैं आज आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहता हूं जिसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है रावी अबू हुरैरा राह रत अल्लाह हैं जिस हदीस में हमें नाशक् से बचने का एक रास्ता शुक्रगुजारी को इख्तियार करने का एक मौका नसीब होता है नबी करीम सलाम ने फ़रमाया किदरोलमन हो असफलमिनला तंदर हो फोकम फह अजदर तस्दर नमत आल खुम के देखो तुम लोग मामलों में नमतों के मसले में रिज़ के मसले में बहरहाल जितनी चीज़ें दुनिया से मुतक़ हैं इन तमाम मामला में अगर किसी को देखना हो तो उसको देखो जो तुमसे कम दर्जे का है तुमसे निचले दर्जे का है उसको मत देखो जो तुमसे ऊंचा है माल में सहूलतों में सवारियों में पैसों में रिस्क में उसे मत देखा करो क्या होगा इसके नतीजे में कहते न भी करीम इसरा तो सलाम के जब इंसान अपने से नीचे आदमी को देखने लगे अपने से ऊपर वाले की तरफ तोज्जो न करे तो उसका नतीजा ये होगा कि जो अल्लाह ने उसे दिया है जो नमतें अल्लाह से उसे मिली हैं उस पर वो अल्लाह का शुक्रगुजार बनेगा अल्लाह की नमतों को कम नहीं समझेगा अल्लाह की नमतों को हकीर नहीं जानेगा मुजहद्रीन चाहे आप पैसे को लें चाहे आप रिस्क को लें चाहे आप इंसान के इस्तेमाल की जाने वाली सवारियों को कपड़ों को लें जिसको भी आप लें तमाम चीज़ें मुकद्दर हैं अल्लाह ताला की तरफ से तकसीम है ना हम ना बेनाशतम फ़िलहत दुनिया और अफ़ान आबाद आबाद इंदराजात हमने दुनियावी जिंदगी उनके दरमियान बांट दी है और हमने बाज को बाज से ऊंचा रखा है तो ये तकसीम अल्लाह ताला की तरफ से है तो इस तकसीम के नतीजे में इंसान को चाहिए कि अगर वो शुक्रगुजार बने तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि वो ऐसों को देखे जो उससे कम दर्जे के हैं जिनको अल्लाह ने उससे कम दिया है तो यकीनी तौर पर वो अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को ज़रूर महसूस करेगा जैसा कि ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया हर किसी को देता है चाहे अल्लाह उसे चाहता हो चाहे अल्लाह उसे न चाहता हो चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो दुनिया अल्लाह हर एक को देता है लेकिन दीन उसी को मिलता है जो दीन चाहता है उसकी कोशिश में लगता है इमाम इराकी महला इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि हमें चाहिए कि हम दुनिया पसंद दुनियादार और दुनिया को हमेशा अपनी ज़िंदगी में तरजीह देने वालों से बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहिए जो दुनिया में बहुत ज़्यादा कुशादगी इख्तियार करते हैं दुनिया की नेमतों में सुबह शाम रहते हैं दुनिया की नेमतों को बहुत कुछ समझते हैं दुनिया के पीछे जिनकी दौड़ हुआ करती है ऐसों से बचने की दूर रहने की तालीम यह हदीस हमें देती है बचे रहना चाहिए और इब्ने ओम लिखते हैं साहिब शाहफ लखनिया मैंने मालदारों की सहबत इख्तियार की तो मुझसे ज्यादा फिक्रमंद मैंने किसी और को नहीं पाया मुझसे ज्यादा परेशान हाल मैंने किसी और को नहीं पाया कहते हैं कि मैं देखता हूं कि फलां की सवारी मुझसे बेहतर है फलां का कपड़ा मुझसे बेहतर है यानी मालदारों के साथ रहूं तो हमेशा दूसरों की नेमतें मुझे अपनी नेमतों से अच्छी लगती हैं उसका कपड़ा मुझसे अच्छा उसकी सवारी मेरी सवारी से अच्छी उसकी नेमतें मुझको हासिल नेमतों से अच्छी फिर कहते हैं इबरे

अजीब नुकता हमें अब की इस बात में समझ आता है कि बंदा मालदारों के साथ रहे अपने से ऊपर ऊंचे दर्जे वालों के साथ रहे या उनको देखता रहे उसकी नजर उनकी तरफ रहे तो हमेशा उस पर अल्लाह की नमतें कम नजर आएंगी और इसके मुकाबले वो अपने से फकीर और गरीब लोगों को देखे तो वो शुक्र बंदा बना रहेगा और अल्लाह के नबी आलरा को भी अल्लाह ने यही तो ज़िंदगी दी आपने खुद दुआ भी इसी बात की कि अल्लाह मुझे मस्किन की ज़िंदगी देना मस्किन की मौत देना मस्किनों के साथ मुझे क़यामत के दिन उठाना तो मैं अपने तमाम भाइयों से इसी बात की दरख्वास करता हूँ और खसूस मैं अपनी बहनों से इस बात की दरखास्त करूँगा कि वो दूसरों की तरफ ख़ास तौर पर उनकी तरफ जो उनसे नेमतों में बेहतर हों दुनिया में ऊंचे हों उनकी तरफ नज़र डालना छोड़ दें उनको देखना छोड़ दें वरना हमेशा परेशानी में रहेंगे हमेशा फ़िक्र में रहेंगे हमेशा ना उनकी सिफ़त बन जाएगी जो अल्लाह ने दिया उसे कम 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 महसूस करते रहेंगे इससे अगर बचना है नजात पानी है सुकून पाना है जिंदगी में सुकून की सांस लेनी है तो हमेशा अपने से कम तर जिन पर अल्लाह ने नेमतें की हो उनकी तरफ नजर डालें अल्लाह ताला सुकून की जिंदगी अता करेगा शुक्रगुजारी का दिल में जज्बा पैदा होगा जिसके कपड़े बेहतर हों वो बेहतरीन कपड़े वाले को देखने के बजाय उनको देखें जिसके पास कपड़े मयसर नहीं है या मेले कुचेले कपड़े हैं मामूली से कपड़े वो पहना हुआ है उनको देखे उसे अपने कपड़े बेहतर लगेंगे जिनके पास घर का सासो सामान दरमियाना हो वो अपने से ऊंचे घरों के साजो सामान को ना देखें बल्कि से अपने से निचले घरों के साजो सामान को देखें उनके अपने घर का सासो सामान उनको बहुत बेहतर लगेगा बहुत ऊंचा लगेगा बहुत ही उम्दा लगेगा जिनको अल्लाह ने अच्छी तनख्वाह दी हो वो ऊंची तनख्वाह वालों को न देखें बल्कि अपने से निचली तनख्वाह वालों को देखें तो अपनी तनख्वाह उनको बड़ी बाबरकत लगेगी और इस अमल से इस सिफत से इंसान के अंदर कनात पसंदी पैदा होगी कनात पसंद होगा जो अल्लाह ने उसे दिया उस पर वो शुक्रगुजार बंदा बनने की कोशिश करेगा और जिसको कनात मिल जाए याद रखें उसे दुनिया की एक बहुत बड़ी दौलत मिल गई कनात पसंदी यानी निमाना यह है कि इंसान को जितना मिला उस पर खुश रहे शुक्रगुजार रहे जिसकी यह सिफत हो वो अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है अल्लाह का उस पर बहुत बड़ा करम है अल्लाह का उस पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने उसे कनात पसंदी नसीब फरमाई है तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कनात पसंद बनाए जो अल्लाह ने हमें दिया हो उस पर शुक्रगुजारी का हमें मौका और शुक्रगुजारी की तौफीक नसीब फरमाए और हमेशा हमें दुनियावी मामलात में ऐशो इशरत के सामान में अपने से निस्लों को देख करके अपने ऊपर हासिल शुदा अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार बंदा बने रहने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह ताला हमें आखिरत के लिए आखिरत की तैयारी करने वाला बना करके ज़िंदा रखे और अल्लाह ताला दुनिया की रंगीनियों से और दुनिया की हर किस्म की बहका देने वाली भटका देने वाली नमतों से अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखे आमीन व सल् वसलम अले नबी महम्मद वाली वसाबी अज़माइन वसलम आलकम वल् वबरक